दोस्तों, भारतीय खाने की एक सबसे बड़ी खासियत होती है मक्खन। मक्खन के बिना भारतीय खाना अधूरा माना जाता है, इसलिए चाहे दाल मखनी हो या फिर आलू के पराठे, हर चीज पे मक्खन होना जरूरी है, तभी उसे भारतीय खाना माना जाता है। कई लोग तो बटर को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात बटर की आती है तो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बटर अमूल कंपनी का बनाया हुआ है। जी दोस्तों, हम रोजाना टीवी पर अमूल के द्वारा बनाए हुए कई मिल्क प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं। सुबह उठने के बाद चाय बनाने के लिए दूध हो या फिर खाने के लिए मक्खन हो, ये सभी चीजें ज्यादातर लोग अमूल की बनाई हुई ही खरीदते हैं। अब तो अमूल के द्वारा आइसक्रीम और चॉकलेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर अमूल को किसी चीज से मिली है तो वो है अमूल का बटर। इसलिए आपको हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आखिर सब लोगों का मन पसंदीदा अमूल बटर बनता कैसे है। इसके साथ ही हम आपको इस बटर के फायदे भी बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी बटर खाने के शौकीन हैं, तो आपको अमूल बटर बनाने की ये पूरी प्रोसेस जरूर देखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अमूल के मक्खन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमूल बटर बनाने वाली फैक्ट्री गुजरात के बनासकांठा में मौजूद है। ये फैक्ट्री देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री से अमूल के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे देश में वितरित किए जाते हैं। अमूल बटर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी और बेसिक मटेरियल चाहिए होता है वो है दूध। बनासकांठा डेयरी के बड़े बड़े टैंकर पूरे गुजरात से कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से चल रहे मिल्क कॉर्नर से रोजाना 20 मिलियन लीटर दूध इकट्ठा करते हैं। ये सारा दूध बनासकांठा में मौजूद अमूल की फैक्ट्री तक टैंकर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में दूध पहुंचने पर इस दूध की क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद जरूरी क्वालिटी वाला दूध ही बटर बनाने के लिए आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद ये सारा दूध बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में पंप कर दिया जाता है। ये स्टोरेज टैंक इतने बड़े होते हैं जैसे पानी के बड़े बड़े कुएं होते हैं। ये स्टोरेज टैंक सिर्फ दूध को स्टोर करने का काम नहीं करते, बल्कि दूध में से बैक्टीरिया अलग करने का भी काम करते हैं। दूध में से बैक्टीरिया अलग हो जाने के बाद इस पूरे दूध को सेपरेशन और पाश्चराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में दूध में से पूरा क्रीम अलग हो जाता है और इसी क्रीम से बटर बनाया जाता है। लेकिन इस क्रीम को सीधे तौर पर बटर बनाने की प्रोसेस में नहीं डाला जाता, बल्कि इसे 8 घंटे के लिए 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। इस क्रीम को 8 घंटे तक मैच्योर करने के बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इस पूरे क्रीम को तेज गति वाले RPM पे घुमाया जाता है, जिससे मट्ठा और बटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दिखने में यह बटर टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देता है, इसलिए इसको बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए गूंथा जाता है, जिससे टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ यह बटर एक दूसरे से पूरी तरह से मिल जाए। इसके बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए एक बड़े ब्लेंडर में डाला जाता है। ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अमूल बटर खाया है तो आप ये जानते होंगे कि ये बटर खाने में नमकीन लगता है। ब्लेंडर में डाले गए बटर के साथ नमक मिलाकर इसे काफी देर तक ब्लेंडर में ब्लेंड किया जाता है, जिससे ये बटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, अब ये बटर बनके पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये बटर रेडी नहीं है, क्योंकि अब इसे बहुत ही जरूरी परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है, यानी टेस्टिंग प्रोसेस से। इस बटर को बनाने के बाद इसे टेस्ट किया जाता है, ताकि अमूल बटर के सारे मापदंडों पर यह बटर खरा उतर सके। इसमें अगर जरा सी भी कमी दिखाई दे तो इस पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि मार्केट में अमूल बटर की प्रेस्टीज बरकरार रहे। टेस्टिंग होने के बाद अगर बटर सभी मूल्यों पर सही पाया जाता है तो इसे पैकेजिंग प्रोसेस के लिए परमिशन मिल जाती है। इस बटर की पैकेजिंग के लिए भी सारी ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक मशीन कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पेपर बिछाने का काम करती है और कन्वेयर बेल्ट इस पेपर को आगे सरकाता रहता है। वहीं आगे एक पंपिंग मशीन से इस पेपर के ऊपर तय मात्रा में बटर पंप किया जाता है और उसे कट किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पैकेजिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन बटर को अच्छे से पैक कर देती है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से किया जाता है, क्योंकि अमूल अपने हाइजीनिक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पहचाना जाता है। वो हर कीमत पर अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद पैक किया हुआ बटर बड़े बड़े बक्सों में रख के आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इन बड़े बड़े बक्सों को एयर कंडीशनर ट्रकों में भर के पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था अमूल बटर बनने से लेकर पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि बटर खाने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे। सबसे पहले तो बटर आपके खाने का टेस्ट बढ़ाता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं, ये तो हर कोई जानता ही है। बिना बटर के कोई भी खाना बेस्वाद ही लगेगा, इसलिए कई लोग खाना बनाते समय तेल की जगह बटर का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, बटर में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन K2 पाया जाता है, जो कि आपके शरीर के विटामिन की कमी को पूरा करता है। ऐसे में रोजाना बटर खाने वाले लोगों को कभी भी विटामिन की कमी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही बटर खाने वाले लोगों को दिल संबंधित बीमारी से भी काफी राहत मिल जाती है। जी दोस्तों, अगर आप रोजाना बटर का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको गाय के दूध से बना हुआ बटर ही दिल के दौरे से बचा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि रोजाना सीमित मात्रा में बटर खाने वाले इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी राहत मिलती है। दोस्तों, बटर में फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिकेलिन होता है,
जो कैंसर की बीमारी से बचाव करने में काफी कारगर होता है। इसलिए अगर आप रोजाना बटर का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकते। इतना ही नहीं बल्कि बटर खाने के और भी कई सारे फायदे हैं। बता दें कि बटर खाने से आपके सिर का टेंशन भी काफी हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, बटर में सिलेनियम पाया जाता है जो कि हमारे दिमाग के नसों में जाकर हमारे टेंशन को कम करने का काम करता है। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों को अपने दुबलेपन से काफी शिकायत है उन लोगों को रोजाना बटर जरूर खाना चाहिए। बटर खाने से आपके शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके शरीर का वजन काफी बढ़ा हुआ है तो आपको रोजाना बटर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि शरीर का मोटापा भी एक तरह की बीमारी है। इसलिए बटर आपके इस बीमारी को और बढ़ावा दे सकता है। और आप जानते हैं कि अगर मोटापा शरीर को घेर ले तो वो अपने साथ और भी कई सारी बीमारियां लेकर आता है। इसलिए बटर तो खाना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ भी रहे और शरीर को कोई नुकसान भी ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीमित मात्रा में रोजाना बटर का सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पे भी एक अलग ही चमक दिखाई देगी। भारत में पुराने समय से ही लोग दही और मक्खन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को सात्विक भोजन कहते आए हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि सात्विक भोजन करने वाला इंसान ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसलिए आपको जितना ज्यादा हो सके अपने खाने में दूध, दही और मक्खन शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अमूल बटर बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया। इसके साथ ही हमने बटर खाने के फायदे और नुकसान के बारे में भी आपको बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो के बारे में अपने सभी विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और हमें प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर और लाइक करते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।